हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्लासिफिकेशन के ऊपर। हम लोग पहले देखा इंपेलर का क्लासिफिकेशन एंड उसके साथ साथ ही हम लोग देखा है पंप का क्लासिफिकेशन। आप लोग ये वाला दो वीडियो देखा नहीं तो आप देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देता हूँ। उसके साथ साथ भी हम लोग पहले भी डिस्कस किया है जो डीजल इंजिन का जो फ्यूल इंजिन है उसका टाइप, उसका कैसे काम करते हैं, ये वाला वीडियो देखा नहीं तो आप देख लीजिए। तो आज जो टॉपिक के ऊपर आज काम करने वाला है, मतलब पढ़ाई करने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाला है, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्लासिफिकेशन के ऊपर। हम लोग आज उसके ऊपर बात करेंगे, उसका कितना टाइप होता है ये भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। चलते हैं टॉपिक के अंदर। फर्स्ट जो आएंगे क्लासिफिकेशन के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग डिजाइन के बारे में। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिजाइन के हिसाब से कितना हम लोग टाइप से उसके अंदर, तो हम लोग देखेंगे वहां पर दो टाइप से। एक है आपका AP1610 बोल के एक डिजाइन कोड है। ये वाला जो कोड वाला जो पंप है, डिजाइन का जो कोड है, ये वाला पंप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ना, ऑयल में, गैस में, पेट्रोकेमिकल में, ऐसा कुछ रिलेटेड जो आपको काम मिलेगा वहां पर ये AP1610 जो मॉडल डिजाइन कोड है इस सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो ये वाला वहां पर इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद दूसरा है ISO 5199, उसके बाद ISO 2858, DIN 24256। ये जो डिजाइन कोड है ये वाला ऑल पंप्स के आपको देखने को मिलेगा। ये था आपका डिजाइन के हिसाब से इसका टाइप्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरा जो टाइप्स हम लोग देखेंगे उसके अंदर है केसिंग के बारे में। हम लोग केसिंग से सेंट्रीफ्यूगल पंप को कितना डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग केसिंग के ऊपर डिपेंड करके सेंट्रीफ्यूगल पंप को थ्री डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर फर्स्ट वॉल्यूट, दूसरा है वॉर्टेक्स, तीसरा है डिफ्यूजर रिंग केसिंग। ये हम लोग केसिंग के बारे में हम लोग तीन डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे जो केसिंग का जो डिजाइन है, तो केसिंग का डिजाइन के ऊपर भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को दो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रेडियल स्पीड, दूसरा है एक्सियल स्पीड। तो ये दो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग केसिंग का डिजाइन के ऊपर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को दो डिवाइड कर सकते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, दूसरा है वर्टिकल शाफ्ट। हम लोग ये था शाफ्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे फ्लो के बारे में। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को फ्लो के ऊपर डिपेंड करके हम लोग तीन डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेडियल फ्लो, दूसरा है मिक्स्ड फ्लो, तीसरा है एक्सियल फ्लो। ये हम लोग तीन डिवाइड कर सकते हैं किसके ऊपर डिपेंड करके ना, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का फ्लो के ऊपर डिपेंड करके। हम लोग इसके पहले एक इंपेलर के बारे में एक वीडियो बना था जहां पर आप लोगों ने बहुत सारा हम मेरे को सपोर्ट दिया था। सेम इंपेलर के ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग यहां पर सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आप लोगों ने इंपेलर का वीडियो नहीं देखा तो मैं भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे देता हूं, आप जाकर वहां पर भी देख सकते हो। तो यहां पर क्या ना, ये इंपेलर के ऊपर डिपेंड करके भी तीन डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओपन टाइप इंपेलर, दूसरा है सेमी ओपन टाइप इंपेलर, तीसरा है क्लोज टाइप इंपेलर। हम लोग क्लोज टाइप इंपेलर को भी हम लोग दो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल सक्शन क्लोज टाइप इंपेलर, दूसरा है डबल सक्शन क्लोज टाइप इंपेलर। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग जो डिवाइडेशन करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन निकालेंगे, वो है स्टेज के ऊपर डिपेंड करके। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग स्टेज के ऊपर डिफाइन करेंगे तो हम लोग तीन हम लोग क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट है सिंगल स्टेज, दूसरा है टू स्टेज, तीसरा है मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर 7 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज जो हम लोग सबमर्सिबल पंप बिठाते हैं वहां पर जो 7 स्टेज बोले तो आपको 7 इंपेलर रहता है, 7 नंबर्स ऑफ इंपेलर रहता है जो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा जो हम लोग डिपेंडिंग करेंगे, अभी क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो है बियरिंग का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके। तो बियरिंग का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग देखेंगे तो वहां पर दो डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट है ओवर हंक इंपेलर, दूसरा है बिटवीन बियरिंग इंपेलर। ये था टोटल हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो क्लासिफिकेशन है। इसको मैंने एक पूरा एक जगह में एक स्ट्रक्चर में लेके आके आपको दिखा रहा है। आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हम मेरे को कमेंट में जरिए को मेरे को बता दीजिए, मैं आगे ऐसा वाला वीडियो आपको लेके आऊंगा। ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।